यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है। आज का हमारा टॉपिक होगा F11, F1 का अकाउंटिंग फीचर का अदर फीचर्स प्लस में ओल्ड प्लस F3 कंपनी इन्फो के टॉपिक्स करेंगे आज हम। तो इसके लिए हम टैली ओपन करते हैं। वर्किंग एजुकेशन मोड पे जाएंगे, एस्केप कर दिया और हम यहाँ पर कंपनी ओपन करेंगे। हमने यहाँ पे कंपनी ओपन की। अब आप देखोगे यहाँ पर हमारी गेटवे ऑफ टैली आ चुकी है। तो सबसे पहले हम F11 में F1 अकाउंटिंग फीचर के अंदर काम करेंगे। तो हम F11 के अंदर गए अकाउंटिंग फीचर में। हमने कहा था हम अदर फीचर्स करेंगे, तो हम अदर फीचर पर आए। तो अदर फीचर के अंदर आप देखोगे पहला पॉइंट है हमारे पास इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, आपको क्या करना है, जीरो वैल्यू की ट्रांजैक्शन करनी है। तो बात आती है कि सबसे पहले कि जीरो वैल्यू होता क्या है। तो आप देखोगे हम एंट्री करेंगे कैसे, जीरो वैल्यू के बारे में बात करते हैं पहले। जीरो वैल्यू, आप मार्केट में जाते हैं हम सब, तो हम देखते हैं कि ऑफर आया हुआ होता है क्या, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। इसका मतलब क्या होता है, एक चीज जो हमने खरीदी है उसके साथ एक चीज फ्री है। या फिर ये ऑफर आया हुआ होता है कि आप ये सामान खरीदोगे तो इसके साथ ये चीज फ्री आएगी। तो ये सब क्यों किया जाता है, दो कंडीशंस होती हैं करने के लिए। या तो अब कोई नया प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या करेंगे, एक चीज के साथ दूसरी चीज फ्री कर देंगे। या फिर जो कोई गुड बिक रहा है ज्यादा और कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो उस प्रोडक्ट को उसके साथ फ्री कर देंगे। क्या करेंगे हम, जैसे आपने देखा कि कोई चीज बिक रही है, जैसे हमने कहा कि बोनविटा बहुत ज्यादा बिक रहा है, तो बोनविटा बिकता है तो उसके साथ कोई नया प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है वो उसके साथ फ्री कर देंगे। जैसे बिस्किट का पैकेट फ्री हो जाएगा, या उसके साथ उसी प्रोडक्ट के जो छोटे स्मॉल पैकेट है वो नहीं बिक रहे तो वो उसके साथ सेल फ्री कर देंगे। तो ये क्या होता है, या उसके साथ कोई सोप फ्री कर देंगे, कोई नया सोप आया है मार्केट के अंदर, तो ये भी हो सकती है कंडीशन की नया प्रोडक्ट लॉन्च होना। कई बार क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे जैसे कुछ गुड्स होता है बिक नहीं रहा होता, स्टॉक इकट्ठा हो जाता है, तो क्या करेंगे हम, जो वो स्टॉक इकट्ठा हुआ है, क्या हुआ, स्टॉक इकट्ठा हो गया, तो उस स्टॉक को निकालने के लिए हम उस चीज को क्या करते हैं, फ्री में कर देते हैं, जैसे बाय वन गेट वन या किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ उस चीज को सेल कर देते हैं ताकि वो जो स्टॉक है वो खत्म हो जाए। तब हम इसका यूज करते हैं अनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का। तो हम इस ऑप्शन को यहाँ पर यस कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इसको यस किया और एक्सेप्ट कर दिया। तो देखो हमारा इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है यस हो गया है। अब क्या करेंगे हम, इसको हम एंट्री करेंगे सबसे पहले, या तो परचेज के टाइम भी कर सकते हैं हम और सेल के टाइम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लेजर देखा, हमारे पास परचेज का लेजर है, नहीं है हमारे पास परचेज का लेजर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज का लेजर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर परचेज का लेजर बनाया। परचेज, परचेज के अंदर जाएगा तो हमने परचेज को सिलेक्ट कर लिया और एक्सेप्ट कर दिया। तो हमने देखो हमारा यहाँ पे परचेज सिलेक्ट हो गया है। अब हमने कैश में ही खरीद लेंगे, तो हमने इन्वेंटरी में इन्फो में बना लिया स्टॉक आइटम। तो हम कोई आइटम बनाते हैं कि किसी के साथ कोई जो प्रोडक्ट है वो फ्री आ जाए। जैसे हमने सोप बनाया, सोप बनाया
यूनिट्स ऑल प्लस सी पीसीस, फुल नेम देंगे इसका पीस, और हमने इसको भी एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पे इसको ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे, अगर ओपनिंग बैलेंस है आपके पास तो इसमें डालेंगे, अगर नहीं है तो स्किप कर देंगे। उसके बाद सोप के साथ क्या फ्री आ रहा है, हमने कहा कोलगेट फ्री आ रही है, कोलगेट फ्री आ रही है, तो कोलगेट बनाया। यहाँ पे क्या बनाएंगे, कोलगेट, यहाँ पे हमने इसको पीसीस में डाल दिया और सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या कहा, यहाँ पर अब हम परचेज की एंट्री करेंगे, परचेज के वाउचर पे गए F9, बिल नंबर दे दिया 1, डेट डाली 2 अप्रैल, पार्टी नेम, हमने कहा कैश में बेच रही हैं, तो कैश को सिलेक्ट किया, आइटम क्या बेच रही हैं, सोप, क्या है सोप के अंदर, अगर हम 5 पीस बेचते हैं सोप के, कितने का एक पीस है, हमने कहा 50 रुपए का, तो 250 हो गया। तो उसके साथ क्या फ्री है, हमने कहा कोलगेट, हमने कोलगेट को सिलेक्ट किया, तो हमने यहाँ पर मेन लोकेशन क्वांटिटी कितनी, 1 कोलगेट, मतलब कि जब आप 5 सोप लोगे तो उसके साथ आपको 1 कोलगेट फ्री मिलेगी। अब वो फ्री मिलेगी तो इसका मतलब क्या है कि उसके पैसे नहीं परचेज कर रहे हैं तो पैसे नहीं देंगे, तो यहाँ पे इसको स्किप कर देंगे, कहीं पे भी पैसे अमाउंट नहीं डालेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर कि जो हमारी रेट और अमाउंट है वो ब्लैंक है, इधर कोई रेट नहीं लिखा हुआ। तो देखो आपकी 0 वैल्यू जो एंट्री है वो एक्सेप्ट हो गई है, मतलब कि जो 500 थे 250 रुपए के, उसके साथ 1 कोलगेट जो है वो फ्री में दे दी। ये होती है 0 वैल्यू। ऐसे आप इस एंट्री को सेल के अंदर भी कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट आते हैं, फिर वापस से गए F11 में अदर फीचर्स के अंदर। तो बीच में जो इसके ऑप्शंस हैं उसके साथ, उसके लिए हमें नेट की जरूरत है, तो वो बाद में करेंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसके बाद, मार्क चेंज्ड वाउचर। मार्क चेंज वाउचर का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो तो क्या करता है काम, अकाउंटेंट करता है। अकाउंटेंट का काम क्या होता है, जो डेली की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको उसके अंदर पूरा चढ़ाना, ट्रांजैक्शंस को टैली के अंदर काम करना। तो जो उसको ऑडिट करता है वो कौन करता है, आपका CA करता है। तो अब कई बार क्या होता है, अकाउंटेंट से उसका जो बैलेंस है वो मैच नहीं होता, तो ऑडिट करने के लिए किसके पास जाता है, CA के पास जाता है। जितने भी बिल्स होंगे आपके और जो भी आपने टैली में काम किया होगा उसका सारे डाटा को ट्रांसफर कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है ऑल्ट प्लस ई से उसकी आईडी पर। हम उसके डाटा को क्या कर देंगे, वहां पर सेंड कर देंगे। जब आपका डाटा वहां पर चला जाएगा, तो वो सारे डाटा को मैच करेगा आपके कि कहाँ पर आपने गलती की है। या तो आप कोई एंट्री छोड़ दोगे या फिर किसी भी एंट्री के अंदर आप कोई अमाउंट या जो भी प्रोडक्ट था उसकी जो हम बोलते हैं क्वांटिटी कम चढ़ा देते हैं या ज्यादा चढ़ा देते हैं, उस वजह से भी हमारा बैलेंस मैच नहीं होता। तो हमने तो उसको, अब उसने उसके अंदर क्या चेंज किया हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए क्या करेंगे, मार्क चेंज वाउचर को यस कर देंगे, ठीक है। अब तक जितनी भी एंट्रीज थी उसी के अंदर चेंज करेगा, डिस्प्ले डे बुक में जाएंगे, यहाँ पर डिस्प्ले डे बुक में गए, देखो ओल्ड प्लस F2 से हमने पूरे साल की एंट्रीज को ओपन कर लिया। देखो हमारे पास 3 ही एंट्री है यहाँ पर। तो अब हमने क्या करेंगे, इस एंट्री का कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस भी एंट्री पर चेंज करना है उस पर वो क्या करेगा, ओल्ड प्लस 2 प्रेस कर देगा कि उसकी डुप्लीकेट एंट्री जो है वो ओपन हो जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ पर उसने क्या किया, पेमेंट की जो एंट्री थी यहाँ पर, पेमेंट की एंट्री है उसने यहाँ पर उसमें चेंज कर दिया, ठीक है, 3000 कर दिया 2000 की जगह पर, उसको
कर दिया। तो देखो यहाँ पर पहले 2000 की एंट्री भी थी और 3000 की एंट्री भी थी। अब बात आती है कि हमने अगर डिस्प्ले टेप में यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम बैठ ना जाए और यहीं से एंट्री कर लें, तो क्या करेंगे? इंसर्ट वाउचर पे क्लिक कर देंगे या फिर ओल्ड प्लस आई प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? ओल्ड प्लस आई प्रेस करेंगे। तो देखो जिस वाउचर में आपने चेंज किया था वही वाउचर ओपन हो जाएगा। तो आपने माना यहाँ पे कुछ परचेज कर लिया, आपने परचेज की एंट्री छोड़ी हुई थी 300 रुपए का, तो कैश कैश चला गया, हमने ये एंट्री कर ली। ठीक है, अब उसने ये एंट्री करके आपको वापस भेज दी। अब पता कैसे चलेगा कि उसने किस एंट्री को नया और एंट्री करी है या डिलीट करी है या उसने चेंज किया है? तो हम क्या करेंगे, एस्केप प्रेस करेंगे, डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पर आके डिस्प्ले पे जाएंगे, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में जाएंगे। ठीक है, और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो इसके अंदर देखोगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मार्क्ड वाउचर। हमने मार्क्ड वाउचर को ही यस किया था। तो देखो आपने दो एंट्री की मार्क वाउचर करने के बाद, एक आपने पेमेंट की एंट्री के अंदर 3000 रुपए किया था 2000 रुपए से, और आपने एक पेमेंट की थी परचेज किया था हमने 300 रुपए का माल। तो देखो ये दोनों ही एंट्री को शो कर देगा मार्क वाउचर रजिस्टर के अंदर कि आप इसके अंदर ये काम कर चुके हो। ये था आपका मार्क वाउचर किस एंट्री के अंदर चेंज किया है उस सीए ने। उसके बाद आता है हमारे पास एस्केप किया हमने कहा था, उसके बाद हम कंपनी इन्फो के ऑप्शन करेंगे। तो हमने ओल्ड प्लस F3 प्रेस किया तो हम कंपनी इन्फो में आ गए, गेटवे ऑफ टैली में कंपनी इन्फो में आए। तो हम इसके अंदर कुछ ऑप्शंस कर भी चुके हैं और कुछ ऑप्शंस जो बाकी रह गए थे वो करेंगे। जैसे आप इसके अंदर सिलेक्ट कंपनी कर चुके हो, कनेक्ट कंपनी हम इसके अंदर नहीं कर सकते। क्यों? एक तो इसके लिए हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, एजुकेशन मोड में कनेक्ट कंपनी नहीं होती। बट हम इसके बारे में बताएंगे कि आपको क्या होता है इसके अंदर। कनेक्ट कंपनी के अंदर आप जैसे आप कहीं किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपको किसी भी रीजन से कहीं बाहर जाना पड़ जाता है दूसरी सिटी के अंदर और आपको काम भी करना जरूरी है, तो आप क्या करोगे वहां पर अपना लैपटॉप या जो भी आपके पास वहां पे कंप्यूटर प्रोवाइड है उसके अंदर भी आपकी टैली होनी चाहिए विद लाइसेंस। एजुकेशनल के अंदर काम नहीं होगा, प्लस में नेट कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, आप कनेक्ट कंपनी पे जाओगे, आपकी जो भी कंपनी है कंपनी का नेम सिक्योरिटी कंट्रोल यस, एडमिनिस्ट्रेटर जो भी उसका पासवर्ड होगा वो भर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वो भरने के बाद वहां से आपका ऑनलाइन होना चाहिए नहीं तो नहीं लेगा। हम यहाँ पे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं है। हम एजुकेशनल मोड में तो हम कनेक्ट और उससे बैठ के वो यहाँ से यहाँ की कंपनी के अंदर सारा काम कर सकता है। फिर आता है शट कंपनी। देखो सिलेक्ट कंपनी में गए हम, जैसे हमने यहाँ पर एक और कंपनी ओपन कर ली। अब हम वी कंपनी में काम कर रहे थे लेकिन यहाँ पे दो कंपनी ओपन है तो हम RCIT2 नाम से जो कंपनी है उसको यहाँ से अभी बंद करना चाहते हैं और काम भी करना चाहते हैं वी कंपनी में। तो हम क्या करेंगे, शट कंपनी में जाएंगे, जिस भी कंपनी में आपने काम नहीं करना उसके ऊपर एंटर कर देंगे। देखो वो कंपनी चली जाएगी, सिर्फ बी शो करेगा। फिर आता है क्रिएट कंपनी, आप सबको आता ही है क्रिएट कंपनी कि हमने कोई भी न्यू कंपनी बनानी है तो हम इसके ऊपर एंटर करेंगे। फिर आता है ऑल्टर। ऑल्टर पे करने से क्या होता है, आपने जो भी कंपनी यहाँ पर ओपन की हुई है सिलेक्ट की हुई है उस कंपनी की पूरी डिटेल को क्या कर देगा, ओपन कर देगा जो भी हमने क्रिएट करते हुए डाली थी। हम उसको शो कर सकते हैं, देख सकते हैं, शो भी होगी और प्लस में चेंज भी कर सकते हैं उसके अंदर। और हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे यहाँ पर, एस्केप किया, गेटवे ऑफ टैली पे चले जाएंगे वापिस और फिर हम आते हैं दोबारा से कंपनी इन्फो में, चेंज टैली वॉलेट। चेंज टैली वॉलेट क्या होता है, आपको मैंने कंपनी क्रिएट करते हुए एक ऑप्शन छुड़वाया था टैली वॉलेट का, मैंने उसके अंदर आपको बताया था उसके इंट्रोडक्शन के अंदर कि टैली वॉलेट जो होता है ये आपकी कंपनी के नाम को हाइड कर देता है। क्या कर देता है, आपकी कंपनी के नाम को हाइड कर देता है।
हमने यहाँ पे वही चेंज करना है टैली वॉलेट, तो हम इसको क्या क्लिक करेंगे, इसके ऊपर एंटर करेंगे। हाइड करने से क्या होगा, कोई भी आपकी कंपनी को नहीं ढूंढ सकता क्योंकि उसके अंदर आपको नाम दिखाई नहीं देगा। और इसमें देखो वी नाम की कंपनी है, पासवर्ड दे दिया चेंज। जब कंपनी में हम चेंज टैली वॉलेट करेंगे, जब कंपनी को एंटर करेंगे पासवर्ड देने के बाद, तो आपके पास ऐसे ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू कंपनी का, इंफॉर्मेशन देगा आपको ये क्रिएट न्यू कंपनी, आपकी नई कंपनी बन गई है 100019 के नाम से। अगर आप ये कोड भूल जाते हो तो आप अपनी कंपनी को किसी भी पोजीशन में नहीं ढूंढ सकते। और मैंने इसको एंटर कर दिया। अब जब हम यहाँ पर जाए, हमने इसको क्विट करके बंद कर दिया और वापिस से ओपन करेंगे हम यहाँ पे टैली को, हमने फिर से ओपन किया, और फिर हम कहाँ पे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में कंपनी इन्फो के अंदर एस्केप किया, सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो आप देखोगे कि हमारे पास पहले से भी एक टैली वॉलेट लगा हुआ था और एक अब लग गया। तो हमारी कंपनी कौन सी है, इसमें से सिर्फ दो ही लगे हुए हैं, नहीं तो बहुत सारे भी लग सकते हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा हमारी कौन सी है। जब हमने कंपनी बनाई थी तो उसने हमें इंफॉर्मेशन दी थी कंपनी क्रिएट न्यू कंपनी की 100019। अगर आप भूल जाते हो तो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि इसके अंदर नाम शो नहीं करेगा। अब आपने 100019 देखो नाम को हाइड कर दिया, सबके नाम दिखाई दे रहे हैं, इनके नहीं दिखाई दे रहे। इसका मतलब क्या है, ये इसमें टैली वॉलेट लगा हुआ है। तो हमने इस पे क्लिक किया, पासवर्ड पता होना चाहिए नहीं तो नहीं ओपन होगी। देखो आपकी वी नाम की जो कंपनी थी वो ओपन हो गई। फिर हम वापिस से F3 में गए, फिर आता है स्प्लिट कंपनी डाटा, आपकी कंपनी के डाटा को तोड़ना, कंपनी के डाटा को तोड़ना। हमने स्प्लिट कंपनी डाटा किया, हम कहाँ गए, सिलेक्ट कंपनी में गए, जिस भी कंपनी के डाटा को तोड़ना है वी नाम को। इसके अंदर हम डेट चेंज कर सकते हैं, अगर हमारे पास जो होगी इसकी अकॉर्डिंग तो यही डेट रहेगी 1 सितंबर तक, क्योंकि हमारी जो टैली है वो एजुकेशनल है। अगर आपकी टैली मल्टी यूजर है तो आप इसमें अपनी मर्जी से भी डेट डाल सकते हो, अभी यही डेट रहेगी। स्प्लिट का मतलब तोड़ना। अब इसको तोड़ने से क्या फायदा है कि हमारी कंपनी जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गई, हमारी कंपनी जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गई। तो अब क्या होगा, जैसे 1 अप्रैल से 30 अगस्त तक, और एक होगी हमारी 1 सितंबर तक, ठीक है, 1 सितंबर से 31 मार्च तक। तो आपके पास दो, यहाँ पे दो सिलेक्टेड कंपनी के अंदर भी दो कंपनी शो करेगा डेट के अकॉर्डिंग। तो आपको जिस डेट में काम करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको ओपन करके काम कर सकते हो। जैसे इस आपको इसके अंदर काम करना है तो आप करोगे 1 सितंबर से 31 मार्च तक का काम, और इसके अंदर अगर आपको काम करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वापिस से गए सिलेक्ट कंपनी के अंदर, आपको अगर 1 अप्रैल वाले में करना है तो हमने 1 अप्रैल की सिलेक्ट कर ली, तो आप इसके अंदर भी काम कर सकते हो 1 अप्रैल से 30 अगस्त तक, ठीक है। तो हमने वापिस से टैली को ओपन किया, तो देखो हमारी टैली ओपन हो रही है। स्प्लिट हुई थी वी नाम की कंपनी कब से, 1 अप्रैल से 30 अगस्त तक, और 1 सितंबर से 31 मार्च तक। हमने सिलेक्ट कंपनी करी, हमारी जो सिलेक्ट कंपनी थी कौन सी थी, वी थी। देखो जैसे हमने पहले कर रखी है परचेज ऑर्डर की, इसके अंदर ये नहीं हुई थी। अगर हमने इसके अंदर काम करना है परचेज ऑर्डर का, तो हम यहाँ पे दोबारा से करते हैं वी नाम की कंपनी को, स्प्लिट करना है, ओल्ड प्लस F3 में जाएंगे, वो बंद हो गई थी तो एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा। तो हम स्प्लिट कंपनी डाटा के अंदर गए, हमने यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी किया, देखो स्प्लिट हो रही है, यहाँ पे 100% हो जाएगी, उसके बाद होगी आपकी। वो आपकी यहाँ पे शो कर दी,
वेरीफाई कंपनी डाटा करना है तो वेरीफाई हो जाएगा, जो डाटा था जिसके अंदर काम करना है उस पे जाके वेरीफाई के अंदर एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो इसमें कोई भी डाटा नहीं है और आपकी 1 अप्रैल की जो कंपनी थी 30 अगस्त तक वो ओपन हो जाएगी, अब आप इसके अंदर काम कर सकते हो। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास बैकअप और रीस्टोर। बैकअप क्या होता है और रीस्टोर, आपकी टैली जो होती है उसके अंदर जो डाटा होता है वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, हमें सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम कहीं पे काम करते हैं तो कोई आपके डाटा को उड़ा ना दे, इसके लिए हम क्या करते हैं बैकअप बना देते हैं। इसके अंदर से आसानी से और प्लस डी करने से आपकी टैली की कंपनी में जिसमें आप काम कर रहे हो उसे आप डिलीट कर सकता है कोई भी आकर। तो हम क्या करेंगे, बैकअप बनाएंगे। बैकअप पे क्लिक किया, सोर्स आता है, सोर्स में आ रहा है जो आपका डाटा सेव हो रहा है ऑटोमेटिक वो हो रहा है सी यूजर्स पब्लिक टैली ERP9 डाटा के अंदर। अगर कोई डिलीट करेगा तो इसके अंदर से डाटा ऑटोमेटिक उड़ जाएगा क्योंकि डाटा डायरेक्ट वहीं पे जा रहा है। डेस्टिनेशन का मतलब होता है जो डाटा यहाँ जा रहा है वो कहीं और भी जाए, तो हमने डेस्टिनेशन पे गए लेकिन हमारे जो कंप्यूटर है उसके अंदर डी और ई कोई भी ड्राइव नहीं है, ओनली सी ड्राइव है, इसलिए हम यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर ही दूसरे नाम से इधर सेव कर रहे हैं। हमने सी ड्राइव के अंदर हमने यहाँ पर RCIT डाटा के नाम से सेव कर दिया, एंटर। जिस भी कंपनी के डाटा को आप सेव करना चाहते हो, हमने कहा RCIT हिसार के अंदर हम काम कर रहे हैं और एंड ऑफ लिस्ट कर दिया और इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब देखोगे आप कि हमारा डाटा वहां पे बनना तैयार हो गया। अगर आप देखना चाहते हो तो देख भी सकते हैं, आप विंडो ई के अंदर जाएंगे और हमारा डाटा कहाँ पे तैयार हो रहा है, सी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सी के अंदर जाएंगे, आप देखोगे यहाँ पे RCIT डाटा के नाम से फोल्डर बन गया है हमारा। तो हमने इसको बंद कर दिया और हम कहाँ पे गए, वापिस से अपनी टैली के अंदर। तो हम टैली के अंदर जाके देखेंगे हमारा डाटा सेव हो रहा है। अगर अब RCIT ओल्ड प्लस F3 में जाकर कोई भी RCIT हिसार की जो टैली थी हमारी उसको कोई डिलीट कर देता है, एंटर करा और क्या कर दिया, इसको कोई डिलीट कर देता है, ओल्ड प्लस डी से डिलीट कर दिया। जब हमें ये डाटा चाहिए होगा तो हम आके देखेंगे सिलेक्ट कंपनी में कि किसी ने हमारा डाटा को डिलीट कर दिया, अब इसके अंदर RCIT हिसार नहीं है। तो हमने क्या कर रखा है, वहां पे बैकअप बना रखा है। तो हम क्या करेंगे, बैकअप बन गया, रीस्टोर में जाएंगे और जो भी आपका डाटा का बैकअप था उसके ऊपर क्लिक कर देंगे उसके नाम पे और क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। अब आप सिलेक्ट कंपनी में जाओगे, एस प्रेस किया, सिलेक्ट कंपनी में RCIT हिसार के नाम से आपकी कंपनी यहाँ पे शो करेगी। बस इतनी बात का ध्यान रखना जब बैकअप बनाएंगे, अगर आपने आज तक का बैकअप बनाया है, आज बैकअप बनाया है तो उसमें आज तक का काम सेव हो गया। अगर आपने उसके बाद काम किया है और दोबारा से बैकअप पे क्लिक नहीं किया है जाकर, तो उसमें वो डाटा सेव नहीं होगा, जिस दिन तक बैकअप बना है बनाया था उस दिन का ही डाटा सेव होगा। उसके बाद आता है हमारे पास क्विट। क्विट का मतलब होता है बंद करना। क्विट पे क्लिक किया, देखो गेटवे ऑफ टैली पे आ गई और फिर वापिस से हम क्विट पे क्लिक करेंगे तो देखोगे आप, एंटर करेंगे आपका क्विट का ऑप्शन आ गया। एंटर करते ही आपकी टैली ऑफ हो जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था और आज यहीं तक था। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।